हाँ, ये जानकारी मिली थी अभी दो दिन पहले। हम लोग मीटिंग किए थे सभी पटाखा वालों के साथ, जो भी लाइसेंसी है उनको निर्देश भी दिया गया था कोई अवैध पटाखे की दुकानें ना लगे। और यहाँ पे अभी सूचना मिली थी आज सुबह ही, जो है इनका लाइसेंस नहीं है और ये पटाखे बेच रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आए थे, ओसामा एंड कंपनी उसको लगा हुआ है। जब यहाँ आया गया तो इन्होंने फैजान अहमद के नाम एक लाइसेंस दिखाया, 2014 में ही निरस्त कर चुका था। और इनके जो है दुकान के अंदर पटाखे भारी मात्रा में पाए गए, वीडियोग्राफी कराई गई और इसी क्रम में ये दुकान सील कर दी गई। इनमें जवाब तलब होगा और अगली कार्रवाई की। लगभग कितने का पटाखा? अब ये तो इसका तो अनुमान नहीं है, लेकिन पीछे भी गोदाम इनकी भरी थी काफ़ी पटाखों से। और लगभग जो है जो क्षमता है, क्षमता के लोग पटाखा है, काफ़ी मात्रा में पटाखा था जो कि अवैध था। देखा जाए सर, पब्लिक एरिया में भी है। हाँ, ये जो है बिल्कुल आबादी में है, जो कि पूरी तरह से जो है असुरक्षित है पटाखे के हिसाब से। और इसी क्रम में जो ये कार्रवाई